नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करते हैं माता काली शमशान काली की कृपा से आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। जय शमशान काली, जय शमशान काली, जय काल भैरव, जय काल भैरव, जय सतगुरु श्री माली जी की जय, जय सतगुरु श्री माली जी की जय। आज मैं पूरे देशवासी को बड़े दुख के साथ ये बात कहूँगा कि हमारे देश की एक बड़ी नेता श्रीमती सुषमा स्वराज जी, जो हमारे को छोड़कर चली गई है, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनको स्वर्ग की प्राप्ति हो। वो एक देश की ऐसी नेता थी कि एक निडर नेता थी, ना तो अब तक कभी किसी से घबराई, ना कभी डरी। उन जैसी नेता ना तो कभी ज़िंदगी में होगी और ना कभी हुई है, क्योंकि वो एक बहुत ही ताकतवर, बहुत ही मजबूत नेता थी। शायद आज हमने अपने भारत की एक सबसे मदर इंडिया मजबूत नेता को खो दिया। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनको स्वर्ग की प्राप्ति हो। मेरी संवेदना उनके साथ थी, उनके साथ है और उनके साथ ही रहेगी। मैं यही कहूँगा कि हमने एक मजबूत नेता को खो दिया है। आज हमारे बीच में सुषमा स्वराज जैसी बड़ी मजबूत नेता नहीं रही, जिसका हमें बहुत ही ज़्यादा दुख है और बहुत ही ज़्यादा समझो हम आपको इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि इस जैसी नेता, इस जैसी मदर इंडिया, जिसने 90,000 भारतीयों की मदद करी, जिसने 90,000 भारतीयों की जान बचाई, इस जैसी नेता ना तो कभी हुई है और ना कभी होगी। क्योंकि मैं उनकी पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, जिसके कारण मैं आज उनको श्रद्धांजलि देता हूँ। जय माँ भगवती। और आप यह जो वीडियो देख रहे हैं, यह मेरे जो शिष्य है, इसका नाम गीता है, इसमें काल भैरव और गुरु गोरखनाथ जी का वास हुआ है, जिनके कारण इनकी गद्दी काफ़ी समय से बंधी हुई थी। इनकी एक वीडियो और भी डालूँगा मैं अभी, जिसमें माता काली का और इनके पितरों का भी प्रवेश हुआ है, जो पिछले 30 साल से इनकी गद्दी बंधी हुई थी, जो पिछले 30 साल से इन्होंने बहुत धक्के खाए हुए थे। पता नहीं कहाँ कहाँ किस किस भगत के पास जाके इन्होंने पैसा बर्बाद किया था। कोई भगत ऐसा नहीं है जो इन्होंने ना छोड़ रहा हो। बड़ा पैसा ख़राब करा, बड़ा टाइम ख़राब करा इन्होंने, लेकिन इनकी गद्दी किसी पे नहीं चली, ना इनकी चीज़ किसी पे खुली। लेकिन इनका सिर्फ यूट्यूब के जरिए जब मेरा साथ संपर्क हुआ, ये मेरे से मिले और मेरे से जुड़े, तब मैंने इनका कुछ कार्य करवाया और इनकी गद्दी चल गई। अब इनके सिर के ऊपर काल भैरव, गुरु गोरखनाथ जी और माता काली की और इनके पितर महाराज जी की सवारी आती है, और ये जन कल्याण के लिए कार्य कर रही हैं और जन कल्याण हित की सेवा कर रही हैं। इसी तरीके से अगर आपकी भी कोई गद्दी बंधी हुई है, तो कृपया भगत नरेश कुमार पांचाल से मिलकर गद्दी खुलवा सकते हो और अपना कार्य करवा सकते हो। जय शमशान काली, जय काल भैरव, जय काल भैरव, जय गुरु गोरखनाथ, जय सतगुरु श्री माली जी की जय। मैं माता काली शमशान काली से ये प्रार्थना करूंगा कि आपके परिवार के ऊपर अपनी कृपा बना के रखें, आपका परिवार सदा खुश रहे, सदा आबाद रहे, सदा हंसता खेलता रहे, कोई बीमारी, कोई रोग, कोई दोष उनके ऊपर ना आए। और मैं उन भटके हुए चेलों को भी ये जरूर कहूंगा, जिनका एक गुरु में नहीं पेट भरता और दूसरे गुरु की तरफ चले जाते हैं, दूसरे गुरु में नहीं पेट भरता तीसरे गुरु की तरफ चले जाते हैं, ऐसे भटकनाथ चेलों को भी सद्बुद्धि दे, सही ज्ञान दे, सही दिशा दे। वो सोचते हैं शायद इसके पास हमारे को कुछ नहीं मिला, उसके पास मिलेगा, उसके पास नहीं कुछ मिला तीसरे के पास मिलेगा, तीसरे के पास कुछ नहीं मिला चौथे के पास मिलेगा। ऐसे भटके हुए चेलों को ना तो कभी शांति मिली है और ना कभी मिलेगी और ना कभी होगी। ऐसे चेले सदा भटकते थे, भटकते हैं और भटकते ही रहेंगे। अब आगे चल के एक मैं नया चीज और चलाऊंगा, जिनसे इन भटके हुए चेलों को एक झटका लगेगा बहुत तगड़ा। ये खुद ही देखेंगे कि हमारे साथ हुआ क्या है, क्योंकि मेरे पे जितने भी चेले भटके हुए हैं उन सब का नाम दर्ज है। मैं कैसे मुँह नहीं चलाऊँगा कि ये हिल जाएंगे, बस ये सोच में पड़ जाएंगे हमारे साथ हो क्या गया। बस आप ध्यान रखना बस अब आगे। जय शमशान का, जय सतगुरु श्री माली जी की जय। क्योंकि ऐसे भटके चेले जो दल बदलते हैं, कभी उसके साथ, कभी इसके साथ, कभी उसके साथ जा, कभी इसके पास जा, ऐसे भटके चेले ना तो कभी किसी के साथ हुए और ना कभी होंगे।
जिनको एक गुरु के ऊपर सब्र नहीं है वो दूसरे गुरु पे सब्र नहीं, तीसरे गुरु पे। तो ऐसे चेले भटकते थे, भटकते हैं और भटकते ही रहेंगे, क्योंकि ये भटकनाथ चेले हैं। क्योंकि इनका ना तो कभी पेट भरता और ना कभी भरेगा और ना कभी भरा है। जय शमशान कर। अच्छा जी, जो चाहिए मन में कुछ चला हुआ है, मुझे सुख शांति है वहां सब कुछ है। एक फल और दे दो। कुछ संकट चला हुआ है।
हाल चला।
गुरु गोरखनाथ महाराज की जय। आपने आदेश किया था जी इन लोगों के घर पे माता प्रवेश नहीं है, सेवा तो बहुत कर रही है लेकिन माता का प्रवेश नहीं हो रहा है। आपने कहा था कि हाँ वो जाके खोल पाओ बद्दी, मैंने कहा आप जरूर चलना लेकिन आपको आपको इसीलिए याद किया जी यहाँ पे, तो आप इनको आशीर्वाद दीजिए और उनका कार्य पूर्ण कीजिए। माता को आदेश करो आप के आदेश से तो सृष्टि चलती है। हेलो गुरु गोरखनाथ महाराज की जय। बोलो गुरु बाबा से गुरु गोरखनाथ से कि आप क्या सेवा कर रहे हो, कैसे क्या है जो कमी है बताओ अपनी बाबा से। जब तक पूजा नहीं हुई कुछ
Thank you.